सर मेरी गाड़ी कोई खड़ी नहीं होती, मेरी तो खुद ने पार्किंग ले रखी है, मैं वहीं लगवाता हूँ। कौन सा होटल कहाँ पर है आपका होटल का नाम? मेरा पार्किंग नहीं है, ये मेरा होटल कृष्णा पैलेस है। और आपने पार्किंग का लगाई? पार्किंग मैंने अपने रावण की बगीचे लगवा रखी। खुद की पर्सनल पार्किंग ली भी आपने? किराए पे ले रखी है, मतलब पर्सनल ले रखी है। जी जी, नहीं लगाते आप? नहीं नहीं। और रेयर कैसे? ठीक है, आपका नाम? राजेंद्र कुमार। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. ये पार्किंग नहीं है भैया, इन लोगों ने ये पार्किंग बना रखा है। हम लोगों ऐसे सुविधा कर रखी है इन लोगों की, ये लोग निकले ही नहीं। आपने किरण होटल वालों को बोला? बहुत कंप्लेन की है, जैन साहब को भी की है, किरण होटल वाले को की है, वो कृष्णा होटल वाले, तीनों को होटल में रोज जाके मैं कंप्लेन करती हूँ। लेकिन वो बोलते हैं हमारा पार्किंग लिया हुआ, ये हमारी गाड़ियाँ नहीं है। किस जगह की है ये? तीनों होटलों वालों की है। कौन कौन से होटल आंटी है? होटल प्लाजा एन, कृष्णा वाला, और तीसरी कौन सी है? किरण होटल। कभी आपने आगे कंप्लेंट करी है? हाँ करी है ना, बहुत बार। आने जाने में दिक्कत हो रही है? बहुत है, हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। घर में कोई आपने बताया आपके? हाँ मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट है, उनका ऑपरेशन किया हुआ है। 100 बार मैंने कंप्लेन जाके की है, इतना परेशान कर दिया, पूरे चौक वाले से आके आप पूछ लीजिए। पार्किंग है या वैसे ही? नहीं नहीं, इन लोगों ने ऐसे घेर रखा है, काहे के लिए पार्किंग? घर है हमारे। कौन सी जगह है? दिग्गी चौक। आपका नाम? निशा पुरस्वानी। ये अवैध पार्किंग कर रखी है, एक तो रोड तक गाड़ियां आ जाती हैं, और हर होटल वाला अपनी हद में लगाए गाड़ी तो अच्छा है, रोड पे आने जाने वालों को भी परेशानी है, घर से बाहर निकलने वालों को भी परेशानी है, टू व्हीलर तक नहीं निकल सकता घर से बाहर, ये तो बिल्कुल ही सड़क पे अतिक्रमण कर रखा है। और क्या होटल ने लगाई भी वैसे? ये तीन है यहाँ की होटल, कृष्णा, किरण और होटल प्लाजा है। आपने कभी कोई शिकायत करी है? बोलते हैं जब भी गाड़ी लगाते हैं इधर की थोड़ी साइड में करके गाड़ी लगाओ, आने जाने का रास्ता दो कम से कम किसी को। क्या कहते हैं आपको? हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हटा देंगे, पार्किंग है हमारी इस तरह से। आगे बोला कई बार इनको कि ढंग से गाड़ी लगाओ, आने जाने का रास्ता दो सभी को, लेकिन वही है थोड़ी देर के बाद गाड़ी फेड लग जाती है, थोड़ी देर के लिए अट जाती है, फेड लग जाती है गाड़ी। हर जगह कोई 108 एम्बुलेंस में आने में दिक्कत होती है? 108 क्या भाई साहब, टू व्हीलर नहीं निकल सकता, 108 तो बहुत दूर की बात है। आपका नाम कहाँ पर है? ये खजूर का बाड़ा, डिगी चौक। आपका नाम? मनीष। ये होटल वालों की परेशानी है यार भाई, गाड़ियाँ खड़ी रहती है मेरे ठेले के पास, खड़ी रहती है सुबह, पहले इनके इनके पास भागना पड़ता है पहले। तो क्या पार्किंग बनाई है? पार्किंग वार्किंग तो कुछ नहीं है। तो आपको इतनी परेशानी होती है, होटल वालों को बोला कभी? अब क्या बने, आए दिन का रोज का ही, रोज की परेशानी है ये तो यार। आपकी क्या चाय की होटल है? चाय की होटल है मेरे से 25-26 साल से होटल है ये। तो परेशानी हो रही है आपको इनसे? परेशानी तो यही है, इधर लगा देते हैं सुबह पहले, दुकान खोलने में दिक्कत? हाँ दुकान खोलने में दिक्कत होती है हमारे को। किस जगह कहाँ पर? ये डिगी बाजार में है। आपका नाम? मोहनदास। भैया हमारी तो 2-4 रूम की होटल गेस्ट हाउस है, और भी होटल गेस्ट हाउस है, उसकी सबकी गाड़ी लगती है। आपकी लगती है? तो ये पार्किंग है भैया जी? पार्किंग है क्या सर? ये तो पार्किंग के लिए तो पूछना पड़ेगा ओनर से। आपका नाम जी? आपका नाम? मेरा नाम विजय नागर।